स्टार्ट करते हैं आप लोग अपन रेक्टिफिकेशन के बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन डिस्कशन हमने आपके साथ किया था। मैं आगे पढ़ाने से पहले बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर टू आप लोगों के लिए क्या है बेटा? होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन हम भैया हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बेटा, ध्यान समझना। क्वेश्चन नंबर वन के अंदर मैंने जब सॉल्व करवाया था चीज बोली थी, जब भी रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप हमेशा तीन पार्ट से क्या करोगे बेटा? एंट्री पास करोगे। तीन, पहला पार्ट क्या रहेगा बेटा? क्या करें? ये जो करना ही तो अल्टीमेटली आप प्रकार से आपका एक प्रकार से क्या रेक्टिफिकेशन है, बोलो। मतलब जो हमने किया वो यहां लिखो, जो होना चाहिए था वो यहां लिखो, और दोनों का आप सही करेक्शन करके आपको ये लिखना है, यहां पर आपके लिए होगा। इसी को हम बोलेंगे क्या बेटा? रेक्टिफिकेशन। क्वेश्चन का मेन पार्ट ये रहेगा, बाकी फर्स्ट टू कॉलम इज अ वर्किंग नोट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर वन वापस हम सॉल्व करते हैं। अगर सस्पेंस अकाउंट आ चुका है और हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस चीज के बारे में अपन को यहाँ पे चर्चा आपके साथ करनी है। लेट्स सी, ध्यान समझना बेटा। क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले बात क्वेश्चन नंबर वन के बारे में मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर वन को वापस दोहरा रहा हूँ आप लोगों के लिए। हमने क्वेश्चन नंबर वन जब सॉल्व किया था तो इस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व किया था कि गलती ट्रायल बैलेंस में अभी तक नहीं दिख रही है। ट्रायल बैलेंस बनने से पहले ही हमने रेक्टिफिकेशन कर दिया है, तो उस समय रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा इसकी चर्चा हम आपके साथ किया। बट आप हम डिस्कशन अपन करेंगे ट्रायल बैलेंस बन गया, और ट्रायल बैलेंस बना समझना बेटा, एक्चुअली क्या हुआ, हमने सारे जर्नल एंट्री कर ली, पोस्टिंग कर दी और लेजर के बैलेंस निकाले, उन सभी बैलेंसेस को हमने यहां पर पुट किया, डेबिट को डेबिट साइड में, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में बैलेंसेस को हमने पुट किया, और टोटल करने गए तो मान लो इधर का टोटल आ रहा था 70,000 और इधर का टोटल आ रहा था 68,000, कैसा हो सकता है? तो क्या मुझे बताओ यहां पे 2,000 रुपए का क्या आया बेटा? बैलेंसिंग फिगर। अब ये 2,000 का बैलेंसिंग फिगर आया तो मतलब हमसे कुछ गलती हुई। अगर टैली नहीं हो रहा है मतलब ये तय है कि आपसे गलती हो चुकी, उसके बाद भी आप आगे बढ़ गए कि आपके पास इतना समय नहीं था रुकने का कि हम रुकें सुधारें फिर हम करें, क्योंकि हमें जाना था, गलती थी तो हमने क्या गलती थी, इस गलती का हमने नाम दे दिया सस्पेंस। सस्पेंस तो है, गलती किस वजह से हमें पता नहीं है, इसलिए इसको सस्पेंस अकाउंट नाम दिया गया। गलती हुई, गलती किसकी वजह से हुई क्या हमें पता है? क्या नहीं, ये राज है, छुपा हुआ है, पता करना है, सस्पेंस है, इसे सस्पेंस अकाउंट इसे कहा जाता है। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, अब ये गलती हो गई, फिर हमें समय मिला तो हमने गलती सुधारने का सोचा, तो सुधारी कैसे जाएगी उसके लिए हम एंट्री पास यहां पे हम करेंगे। तो एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर कोई फर्स्ट डे जब एक्टिवेशन तक पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों से बोला था कि क्या बोला था मैंने, अगर कोई गलती हुई रेक्टिफिकेशन करूं तो रेक्टिफिकेशन करोगे तो उसका ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा या ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट तभी पड़ेगा अगर सिंगल साइडेड एरर होगी तो। अगर सिंगल साइडेड एरर नहीं है, डबल साइडेड एरर है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा बेटा? ट्रायल बैलेंस आपका क्या होगा? टैली होगा, भले गलती होगी पर हम मैच नहीं कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? अब इस चीज के बारे में अपन को यहां पर समझना है। तो कैसे कैसे क्या क्या होगा हर चीज की चर्चा हमें डिस्कशन आपके साथ करनी है। तो नाउ एक चीज मैंने बोली थी आपको कि जब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आप रेक्टिफिकेशन करते हो और गलती सिंगल साइडेड एरर होगी तो इस एरर को सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से एंट्री पास की जाएगी, पर अगर यही एरर डबल साइडेड एरर होगी तो विदाउट सस्पेंस हेल्प के हम एंट्री पास करेंगे। इसका लॉजिक क्या मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ मैंने बोला आपने सुन लिया और आपने मान लिया, पर ऐसा क्यों? किसी दिमाग में क्वेश्चन मार्क अगर नहीं है तो अराइज अब हो जाना चाहिए। मैं इसका लॉजिक अभी बताऊंगा, ऐसा हम क्यों करते हैं। इज इट क्लियर? आओ लेट्स सी क्वेश्चन वन पे हम वापस आते हैं। क्वेश्चन वन पे जब आपके पास आएंगे, सभी के पास सभी को नोट्स मिल गए? चलो लाओ। क्वेश्चन नंबर वन की बात वापस हम आपके साथ करेंगे, ध्यान समझना। अ बुक कीपर फाइंड दैट द ट्रायल बैलेंस इज आउट, ट्रायल बैलेंस बनके तैयार हो चुका है, ही पुट द डिफरेंस इन द न्यूली ओपन सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस हमने टैली करने गए, वो टैली नहीं हुआ मतलब बैलेंसिंग फिगर आया, बैलेंसिंग फिगर आया मतलब वो सस्पेंस अकाउंट बन गया।
अब गलती है, गलती किस वजह से ये मैं पता नहीं, पर आगे क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन बताता है गलती इस वजह से हो रही है, ये गलती है, दैट्स इट, इन गलतियों को आपको सुधारना, दैट्स इट, बोलो हाँ है ना। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर ए, द परचेज बुक फॉर जनवरी 2016 हैज बीन कास्ट ₹1,000 शॉर्ट। ये गलती किसकी है, जर्नल एंट्री की गलती है या ये गलती किसकी है बेटा, पोस्टिंग की, ये तो आपको रट चुका होगा, ये गलती जो है किसकी है बेटा, जर्नल एंट्री की है। Now, ये गलती किसकी है, जनरल एंट्री की गलती है, तो हमने एंट्री क्या पास, जनरल एंट्री की गलती है। अब मुझे बताओ ये एंट्री सिंगल साइड एरर है डबल साइड एरर है, सिंगल साइड एरर है, क्या बता चुका हूं इस बारे में बेटा। नाउ तो केस नंबर एक की बात करेंगे, तो एंट्री क्या पास की बेटा अपन ने, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, लेट एग्जाम्पल ये 40,000 था तो हमने इसको कितने से लिखा बेटा, 39,000 से, बोलो। अब मुझे बताओ होना क्या था, क्या एंट्री होनी चाहिए थी सही मायने में, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या मेरे पास, पार्टी, कितने रुपए से बेटा, 40,000 और 40,000 बेटा, 40,000 एक हाइपोथेटिकल फिगर है, मैंने एग्जांपल लिया था, समझ में आया मेरे पास, बोलो क्लियर। उस दिन कितना लिया लास्ट लेक्चर में, चलेगा इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्लियर। अब मुझे बताओ जितना डेबिट, डेबिट 40 से करना था, डेबिट कितने से किया, सबसे पहले बताओ ये एरर सिंगल साइडेड है या डबल साइडेड, तो बेटा जहां गलती थी हमने सुधार दी, एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, टू सस्पेंस, क्यों, लॉजिक कुछ समय के पश्चात, बट आप तो मानते चलो कैसा होता है, वो हो रहा है, इज इट क्लियर। ये मेरा फर्स्ट, सेकंड केस के बारे में आप लोगों से यहां पे बात करता हूं, सेकंड केस में क्या हुआ था बेटा आपसे, बेटा मुझे बताओ कि क्रेडिट परचेज 6710 आपने किया था, इसको डेबिट कर दिया हमने क्रेडिटर्स को, जबकि क्रेडिटर्स को मैं क्रेडिट करना चाहिए था, तो मुझे बताओ एंट्री क्या की, परचेज अकाउंट डेबिट 6710 और यहीं पे आपने पार्टी अकाउंट को भी क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 6710, जबकि सही एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या टू पार्टी, पार्टी कितना 6710 से होना चाहिए था, 6710 से होना चाहिए था, बोलो क्लियर। अब आपने गलती की, तो मुझे बताओ आपको ये डेबिट करना था, डेबिट आपने किया, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, गलती क्या की आपने, ये लिखा ही नहीं, बोलो क्लियर। अब मुझे बताओ टू क्या आएगा बेटा, पार्टी, बोल जवाब दो, 6710 से और प्लस 6710 से, अरे हाय, क्योंकि एक तो ये जो हमने क्रेडिट नहीं किया इसको हम क्रेडिट कर दें, और जिसको डेबिट करना, डेबिट नहीं करना था फिर भी हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इसलिए एंट्री कितने से पास हो दिस मंथ, तो एंट्री क्या होगी, 12,880, सिंगल साइड इफेक्ट होगा, मतलब सिंगल साइड एरर है, बोलो हाय ना। डेबिट किसको किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट को किया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्या है पॉइंट, सभी को अच्छे से क्लियर है, बोलो क्लियर। थर्ड केस के बारे में अपन बात करते हैं, ध्यान समझना, सुनना मेरी बात को, देखें बेटा आप लोग, केस नंबर हम बात करने जा रहे हैं के लिए सी केस के बारे में आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं। हमने क्रेडिट सेल किया 6,000 रुपीज का, इसको हमने किसके थ्रू पास किया, बुक के थ्रू पास किया, मतलब क्रेडिट पर, क्रेडिट सेल क्या ट्रीट कर दिया, क्रेडिट परचेज ट्रीट कर दिया, तो हमने एंट्री क्या पास की होगी बेटा, परचेज किया होगा, तो एंट्री क्या की होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, जबकि आपको एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी बेटा, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल, तो पार्टी अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा, सेल,
कितने रुपए से बेटा अमाउंट एग्जैक्ट? गलती आपने डेबिट साइड में भी की, गलती आपने क्रेडिट साइड में भी की, तो सही करने के लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे बेटा? सबसे पहले पार्टी अकाउंट डेबिट 6000, टू क्या करोगे सेल कितने से बेटा 6000, परचेज डेबिट कर दिया अननेसेसरी, जबकि डेबिट नहीं करना चाहिए, तो परचेज को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे क्रेडिट कितने से बेटा 6000, पार्टी को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था फिर भी हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे डेबिट, दैट मींस क्या ये गलती सस्पेंस अकाउंट में पता लगे 12th बनने के बाद है, उसके बावजूद भी हम सस्पेंस अकाउंट हमने नहीं लिखा कि उस गलती का इफेक्ट नहीं है, लॉजिक कुछ समय के विदाउट सस्पेंस हमने किया, मैंने बोला भी था डबल साइडेड एरर होगी तो इसका बिना सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम एंट्री पास करेंगे, सिंगल साइडेड एरर होगी तो हम वो एंट्री पास करेंगे, बोलो हाँ है ना, ध्यान समझना, केस नंबर डी के बारे में हम आप लोगों से यहाँ पे बात करते हैं, जब केस नंबर डी के बारे में आप लोगों से बात करेंगे तो केस नंबर डी में क्या होगा देखें आप लोग बेटा, केस नंबर डी के बारे में जब मैं आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो हमने रुपीज 4000 पेड टू बी वॉज डेबिटेड टू एस अकाउंट, पैसा हमने पे किया, बोलो एंट्री क्या पास होनी चाहिए, सॉरी हमने क्या किया, सॉरी हमने क्या किया, बी को पैसा पे किया, जब पैसा पे करते तो एंट्री क्या पास होती बेटा बीज अकाउंट डेबिट टू कैश, पर भाई साहब ने क्या किया, भाई साहब ने बी को डेबिट करने की जगह ए को डेबिट कर दिया टू कैश, बोल जवाब दो, जबकि होना क्या चाहिए था बेटा आपके पास मुझे बताओ, बीज अकाउंट डेबिट टू कैश, बोल जवाब दो, अब बताओ एक्टिवेशन करने जाओगे तो एंट्री क्या पास होगी बेटा बीज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, क्या समझ में आया बेटा, कितना अमाउंट था बेटा 2000, सिंगल साइड है डबल साइड डबल साइड, इसलिए सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर नहीं आ रहा है, इज इट क्लियर, क्या टफ लग रहा है आसान लग रहा है, रेक्टिफिकेशन वाकई में बहुत आसान चैप्टर है, मैं आपको फिर बोलूंगा रेक्टिफिकेशन क्या पूरा अकाउंट से ही सबसे आसान सब्जेक्ट है, इसीलिए मेरे को पढ़ाने का मौका मिला है, टफ होता तो मुझे मिलता ही नहीं, सही बात तो ही है बेटा, ऑनेस्टली बोलो टफ सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, स्टेट्स कितना याद करना पड़ता है, कितने कैलकुलेशन, स्टेट शुरू हो गया आप लोगों का, हो जाएगा बहुत जल्द, लेट्स सी अपन बात करते हैं, अब मैं लॉजिक बताता हूं कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हेल्प ये एंट्री क्यों पास की जाती है, देखना समझना, क्या सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, बनता है या बनके अपना आप आता है, बनाया जाता है या अपना बनके आ जाता है, तो ये सस्पेंस कब बनता है, ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस के बाद, ट्रायल बैलेंस से पहले या ट्रायल बैलेंस बनने के, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले या ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, ना पहले ना बाद, ड्यूरिंग द ट्रायल बैलेंस बनता है, सुनो मेरी बात को बेटा, मैंने क्या बोला ट्रायल बैलेंस, ऐसा नहीं कि ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस है बेटा, जब बन रहा होगा तभी तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, क्या इसके बाद बनाते हैं क्या, या इसके पहले बनाते हैं क्या, नहीं ये बनता है ड्यूरिंग द ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट जो आता है अब समझना बेटा ये ट्रायल बैलेंस की बात की, तो आपने सब ट्रांजेक्शन को यहां पर रिकॉर्ड कर दिया, सारे ट्रांजेक्शन आपने क्या कर दिया बेटा, हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, सभी ट्रांजेक्शन को क्या करते हो बेटा रिकॉर्ड करते हो, तो सारे ट्रांस रिकॉर्ड कर दिया आपने, से एग्जांपल जितने भी ट्रांस रिकॉर्ड किए सबके अमाउंट यहां लिख दिए, अमाउंट यहां लिख दिए, अमाउंट यहां लिख दिए, ये अमाउंट यहां लिख दिए, ये बैलेंसिंग फिगर इस साइड भी आ सकता है, ये बैलेंस फिगर इस साइड भी आ सकता है, कभी ये मत समझना कि ट्रायल बैलेंस का बैलेंसिंग फिगर एक साइड में आएगा ऐसा डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा ऐसा नहीं, वो किसी भी साइड में आ सकता है और ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी आए फिर भी गलती हो, ऐसा भी हो सकता है कि गलती हुई है उसके बावजूद भी सस्पेंस अकाउंट आपके सामने खड़ा ना हो, इस चीज के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा आपके साथ करेंगे, तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, चीज को बड़े ध्यान से आप लोग समझना कि हम क्या कर रहे हैं कि इस टाइम में गलती यहाँ पे पकड़ में आई, समझना इसको गलती आई कैसे, इस चीज के बारे में आपको लॉजिक देता हूँ, से एग्जाम्पल आपने सोचना आपने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज पास की, से एग्जाम्पल आपने परचेज किया था 20,000 रुपए का, रिकॉर्ड किया 10,800 रुपए से, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सुनो एक एग्जाम्पल लेते हैं,
इसी क्वेश्चन के बारे में अपन यहां बात करते हैं। पहले इन्हीं बात करेंगे, इनके एग्जांपल की बात नहीं करते। हमने परचेज किया था 40,000 रुपए का, तो हमने एंट्री क्या की 39,000 से एंट्री पास की, समझ लो एग्जांपल। तो लेट एग्जांपल, हमने एंट्री पास करनी थी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा आपके पास पार्टी, तो बता ये हमने कर दी 39,000, ये हमने कर दी बेटा 40,000। बोलो इससे हमने क्या बनाया होगा, परचेज अकाउंट बनाया होगा बेटा। बोलो एकदम कंसेप्ट के रूट पे जाना, परचेज अकाउंट बनाया होगा। तो परचेज अकाउंट में डेबिट कितना किया आपने 39,000, अरे हाँ है ना। तो ये आपने पार्टी ए अकाउंट लिख दो, ए का अकाउंट हमने बनाया है, ए का अकाउंट। तो यहां पे हमने इसको क्या किया होगा बेटा, क्रेडिट किया होगा 40,000 से। ध्यान समझना बेटा, आपने एक एंट्री और ये पास की, एंट्री करनी थी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, आपने सिर्फ एंट्री क्या की बेटा, आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया और आपने क्या किया बेटा पार्टी अकाउंट डेबिट किया। बोलो हाँ है ना। कितना डेबिट किया बेटा 6,710 पार्टी कौन सी बेटा बी है, तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट कितने से किया बेटा 6,710 से यहाँ पे डेबिट कर दिया। बोलो हाँ है ना। पर आपने क्या किया बेटा, क्या क्या ए ये पार्टी कौन सी बेटा बी, तो इतना कंफ्यूज हो गए से बात करता हूँ। चलो ठीक है, एक बात मुझे बताओ ये ने किया बस, लेट्स हमारे बिजनेस में मान लो दो ही ट्रांजेक्शन है, इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं। इन अकाउंट को हमने क्लोज किया, कितना बैलेंस आया सीडी 39,000, कितना आया बेटा 40,000। जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा बेटा, प्लीज ध्यान से बेटा आप मुझे बताओगे दिस इज व्हाट, दिस इज डेबिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज डेबिट बैलेंस श्योर, दिस इज क्रेडिट गुड। तो आप मुझे बताओ जब मैं यहां पे ट्रायल लिस्ट बना रहा हूं, तो बेटा मैंने एंट्री तो पास कर दी, एंट्री से मैंने पोस्टिंग भी कर दी, पोस्टिंग भी कर दी। अब मुझे बताओ मैंने परचेज अकाउंट यहां लिखा, दिस इज डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, सही गुड डेबिट बैलेंस हम लिख दिया 39,000। और अब मुझे बताओ मैंने यहां पे ए अकाउंट लिख दिया कितने से बेटा 40,000। ट्रायल बैलेंस की टोटल करने गया, यहां आया 39,000, यहां आया 40,000, क्या बैलेंसिंग फिगर दिस साइड आ रहा है। बोलो तो अब मुझे बताओ 1,000 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मतलब गलती हमें सच में, मतलब इससे समझ में आ रहा है गलती हमारी डेबिट साइड में चल रही है। अभी तक इसमें गलती क्या याद हो सकते, कुल मिला के 1,000 रुपए की गलती डेबिट साइड की, नेट गलती कितने की है बेटा 1,000 रुपए की। अब मुझे बताओ क्या ये कर दिया तो सस्पेंस अकाउंट में दिख गया। अब जो गलती, अगर ये गलती ट्रायल बैलेंस बनने से पहले में सुधार देता, तो अगर गलती सुधार देता तो यहाँ 1,000 और लिख देता, अगर यह 1,000 में और लिख देता यहाँ पे भी कितना आता 40 आता, 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 ट्रायल बैलेंस टैली होता, सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं। इसलिए हमने जब लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था विदाउट हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट या बिफोर ट्रायल बेस बोला था, इसलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट की एंट्री पास मैंने नहीं की थी। अब क्लियर हुआ अच्छे से, और बट अब ट्रायल बेस बन के सामने आ गया, अब आया और तेरी अपन से गलती होगी 1,000 रुपए की बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। बोलो अब आपको छानबीन की पता लगा गलती क्या है, गलती यह है गलती नंबर ए, पढ़ो गलती क्या है बेटा, हमने क्या किया परचेज बुक के अंदर टोटलिंग हमने की गलत की। बोलो हाँ है ना। अब टोटलिंग हमने गलत की तो हमें पता लगाना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे, अब गलती सुधारेंगे, गलती सुधारी हमने परचेज अकाउंट को हमने डेबिट कर देंगे। अगर मैं परचेज अकाउंट डेबिट कर दूं, सुनो अगर परचेज अकाउंट डेबिट कर दूंगा तो क्या ये 1,000 से और हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 40, तो क्या आप सस्पेंस अकाउंट आएगा क्या, नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल करने के लिए डेबिट है, उन्होंने बताया था कैंसिल करने के लिए हमें रिवर्स एंट्री हम पास करते हैं, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को हम डेबिट, तो मैंने क्या किया परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया 1,000 रुपए, कैंसिल किसको किया सस्पेंड को, सस्पेंस अकाउंट को किया, तो 1,000 रुपए हमने यहाँ पे क्या कर दिया क्रेडिट किया। इसलिए एंट्री किसकी हेल्प से होती है बेटा, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ये एंट्री पास की जाती है, दैट्स इट, इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं। क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट को हटाना पड़ेगा ना, अगर सस्पेंस अकाउंट अभी भी हम नहीं हटाएंगे तो गलती दिखती रहेगी। अरे यार अगर मान लो मैं तो 1,000 रुपए और
दो सुनो, चलो एक मिनट के लिए, यहाँ पे सस्पेंस है, सस्को सस्पेंस को सस्पेंस ही रहने दो 1000 रुपए से। आपने गलती कर दी है, इसको सस्पेंस को आप नहीं लिखोगे तो यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा आपके पास 40,000 रुपए। अब यहाँ कितना रहा 41, तो यहाँ कितना रहा 1000। अरे हाँ है ना, फिर कहा था सस्पेंस 1000 सस्पेंस डेबिट भी हो रहा है, क्रेडिट भी हो रहा है, कैंसिल हो गया। अरे यार अब मुझे बताओ, करनी थी आपको। अरे बहुत सिंपल अकाउंट्स, कुछ भी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मेरा सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वाकई में बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं करना है। या तो आपको डेबिट करोगे या आप क्या करोगे क्रेडिट करोगे, इसके अलावा अकाउंट कुछ करना ही नहीं होता है। इस पूरे अकाउंट में दुनिया डेबिट और क्रेडिट में खत्म हो जाती है। इज इट क्लियर? पूछे बेटा आपका डाउट। कोई एंट्री पास नहीं होती बेटा। हाँ, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने को एंट्री थोड़ी पास होती है बेटा, ट्रायल बैलेंस से। बेटा समझना, डाउट आपका अच्छा है, पता होना डाउट, जेन्युइन डाउट है, समझना। आपका डाउट है मेरे पास कि सर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री क्या पास होती ट्रायल बैलेंस में? आंसर इज नो। पहली बात तो कोई भी एंट्री पास नहीं होती। क्या हम कोई भी लेजर के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, कभी उसकी एंट्री पास होती है क्या? नहीं। तो डाउट वहां खत्म हुआ। पर सर जो ठीक है, ये समझ में आ गया कि सस्पेंस अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस में आता है तो बैलेंस ही फिगर आता है, इसलिए एंट्री पास नहीं होती। बट ये सस्पेंस अकाउंट जब बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि एंट्री पास होती है क्या? आंसर इज नो। ट्रायल बैलेंस के बाद तो हम ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनता है बेटा, एंट्री थोड़ी पास होती है बेटा। हम तो बैलेंसेस को हम पुट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। जैसे पूछे कोई बताए तो समझना आपको बेवकूफ बना रहा है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ट्रायल बैलेंस के बाद एंट्री थोड़ी होती है, एंट्री सबसे पहले होती है, उसके बाद लेजर बनता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट। अब कहां एंट्री पास होगी बेटा? अगर वो एंट्री हो भी रही है ना, सो ये एंट्री तो करी थी अभी आपने बेटा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द बुक्स अकाउंट, दिस इज अ वर्किंग नोट। बहुत पहले बोले ये कभी भी आपके बुक्स अकाउंट का पार्ट नहीं है, ये सब क्या है बेटा? रेक्टिफिकेशन के लिए एडजस्टमेंट्स एंट्रीज है, ये बुक्स अकाउंट की एंट्री, वर्किंग नोट का पार्ट है, ये बुक्स अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। इज इट क्लियर? इसलिए हमने यहां पे क्या करेंगे, एंट्री क्या पास करते विद द हेल्प ऑफ द क्या बेटा? सस्पेंस अकाउंट। कितना बेटा? 1000 रुपए। क्या तुम्हें समझ में अच्छे से आया? तो क्यों ट्रायल बैलेंस के बाद हम एंट्री पास करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद रेक्टिफिकेशन करते हैं, तो क्यों हम सस्पेंस अकाउंट के हेल्प लेते हुए एंट्री पास करते हैं? क्या समझ में आया? अरे यार नहीं आ रहा मजा क्या यार? तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत बोर करता हूं, तो मैं कट टू पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा लगता है मैं बहुत लंबा खींचता हूं चीजों को, बिंदास होकर बोलो, मुझे ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत कट टू कट मतलब बोल दूंगा ये एंट्री पास होगी, दैट्स इट। मैं आपको इतना सही बोलता ना कि ट्रायल बैलेंस की बात बनोगे तो एंट्री क्या पास होगी, ये एंट्री पास, हाँ हाँ करते जाते हैं, मैं क्वेश्चन खत्म हो जाता, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता, वही पढ़ा जाता, खत्म कर देता। बट मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, आप ऑलरेडी सारे चैप्टर्स 11th 12th में पढ़ चुके हो। बट बस प्रॉब्लम क्या है, जिस स्टाइल से आपने पढ़ा वो स्टाइल बहुत गलत था, मुझे वो स्टाइल बिल्कुल अच्छा लगता नहीं। तो इसलिए आपको अच्छा लगता है, इसलिए हमें क्यों परेशान कर रहे हो? कैसा तो नहीं लगता आपको? पर देखो बेटा, जो चीज आपने वहां पढ़ी हो यहाँ पर, इसमें जमीन आसमान का फर्क है, चीजें वही हैं, पर समझाने का तरीका बहुत अलग है, फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अलग है चीजों के लिए। आप किसी के साथ बताओगे, शेयर करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। क्या जो मुझे बताओ, अगर यही चैप्टर इसी स्टाइल से अगर आपको पहले पढ़ा दिया होता, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ बेटा, आपको अकाउंट से कभी नफरत हो ही नहीं सकती है बेटा। क्योंकि चीजों का आपको लॉजिक नहीं पता होता है, समझते हो? चीजें आपको थोपी जाती है, ऐसा ऐसा करो, 5 क्वेश्चन दे देते हैं, सही क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन करो, अरे वाह सेम क्वेश्चन 5 बार कर लिया, ऐसा एंट्री फिगर चेंज, बार बार एंट्री और क्वेश्चन सही, कुछ मतलब नहीं उस पढ़ाई का बेटा। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए इतनी बात मैं आपसे करता हूं बेटा, दैट्स इट। क्या सभी समझ में अच्छे से आया? अब अगला लॉजिक, एक पॉइंट और सुनो ध्यान से। क्या ये हमने जो कुछ भी किया, क्या ये कुछ किया मतलब क्या इन गलती के बाद सस्पेंस अकाउंट अब ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा होगा? प्लीज मेरी बात को सोचो समझो, मैंने क्या बोला आप लोगों को, क्या ये सब कुछ हमने किया, क्या ये 4 एंट्री होने के बाद क्या सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया होगा या आ रहा होगा? क्यों आ रहा होगा बेटा यार, प्लीज सोच समझ के बोला करो यार, बहुत दुख होता है मेरे को। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्या ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद, क्या होने के बावजूद भी सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा या खत्म हो चुका होगा? खत्म हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि गलती सुधार दी तो उसके बाद एक्टिवेशन हो गया तो सस्पेंस अकाउंट कैसे आएगा? अरे हाँ या ना, हमने एक्टिवेशन किया ही क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट शो हो रहा था, बोलो हाँ या ना। क्या मतलब
इन एंट्रीज को पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बैलेंस में अब शो नहीं हो रहा होगा। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? पहला पॉइंट। एक पॉइंट और, क्या मैंने आपको एक बात बोली थी कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद भी हम गलती को सुधारेंगे तो हम कभी जब सुधारेंगे अगर डबल साइडेड एरर होगी तो बिना सस्पेंस अकाउंट के हम एंट्री पास करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? देखो ये एरर आपने जबकि फिट था दिमाग में, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर एक्टिविशन एंट्री पास करोगे तो ऑलवेज सस्पेंस अकाउंट से एंट्री पास करोगे, ऐसा रटा हुआ था आपका। कहां है मुझे बताओ, फेल होगी वो चीज आपकी। जबकि आपका वक्तव्यशन था आपका, आपका एक्टिविशन क्या है पता है? आप ये बोलते हो ट्रायल बैलेंस से पहले होगी, सबसे पहले बात इतना डिस्कशन ही किया, ट्रायल बैलेंस से पहले की गलती, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद की गलती। अगर आपको सिर्फ ये पता है कि सब्सिक्वेंट ईयर में गलती हो रही है तो उस गलती को एंट्री जब हम एंट्री हम सुधारेंगे तो उसको पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू हम एंट्री पास करेंगे। अगर सब्सिक्वेंट ईयर में नहीं हो रही होगी, सेम ईयर में हो रही होगी, ट्रायल बैलेंस के बाद हो रही होगी, सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम एंट्री पास करेंगे। कहां जरूरत थी मुझे बताओ ना करने की। क्या पॉइंट? बट अब समझना बेटा, एक चीज और बताता हूं, क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर देखना बेटा आप लोगों से। मैं एक बात बोलता हूँ, क्या ये जो कुछ भी हमने किया, मैंने सबसे पहले ये समझाया सस्पेंस अकाउंट कैसे आता है, कैंसिल कैसे होता है, क्या ये लॉजिक क्लियर हुआ था अभी आपको? अब प्लीज अगला पॉइंट बड़े ध्यान से आप लोग समझना। अब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या सस्पेंस, क्या ये रेक्टिफिकेशन करने के बाद, मैं अपनी बात को वापस दोहरा रहा हूं, क्या रेक्टिफिकेशन करने के बाद सस्पेंस अकाउंट अभी भी ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा या गायब हो चुका होगा? मतलब अगर रेक्टिफिकेशन में नहीं करता तो क्या ट्रायल बैलेंस में या बुक्स ऑफ अकाउंट में सस्पेंस अकाउंट आ रहा होता? हाँ या ना? तो मैं आपसे इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता तो कितने अमाउंट से आ रहा होता पहली बात, और किस साइड में आ रहा होता? क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। मैंने अभी ये बोला आप लोगों को, जवाब आपको खुद को लेना है, सोचना है, समझना है, फिर आपको जवाब देना है। जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया उसको 2 5 स्टार, एक भी नहीं। प्लीज क्वेश्चन समझना मेरी बात को। चलो 5 स्टार भी नहीं, सिल्क। जिसने सबसे पहले दिया अगर उसका सही निकला तो, अगर सबसे पहले जिसने दिया उसका गलत नहीं निकला और किसने बाद में दिया तो 5 स्टार है बेटा, समझना। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, अंतिम बार दोहरा हूं क्वेश्चन को। मैं आपको समय दे रहा हूं, समय का पूरा सदुपयोग करना। क्या मैंने अभी आपको बोला इन एंट्री को पास करने के बाद सस्पेंस अकाउंट खत्म हो गया होगा? अरे हाँ। तो इससे पहले सस्पेंस अकाउंट आ रहा होगा? कहाँ आ रहा होगा? दिल में थोड़ी आ रहा होगा, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में आ रहा होगा, कितने अमाउंट से आ रहा होगा पहली बात, दूसरी बात किस साइड में आ रहा होगा, अरे डेबिट साइड या फिर क्या बड़ा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हाथ खड़ा किया था, क्या नाम है आपका? देवांशु। उन्होंने हाथ खड़ा किया था, सोच समझ जवाब देना, डेरी मिल्क का सवाल है बेटा, है डेरी मिल्क सिल्क का, डेरी मिल्क का भी नहीं बेटा, बोला किसी और की सिल्क जा सकती है बेटा ना। अरे यार क्वेश्चन की पॉपट कर दी यार, कोई बात नहीं, गुड एफर्ट्स लगाए बेटा। तो मतलब ये समझ रहा सिल्क तो गायब हो गई बेटा, क्योंकि सबसे मैंने शब्दों को सुनो बेटा, मैंने आप सब लो के स्टूडेंट हो बेटा, है ना, और मैं मतलब इंटर लेवल पे एग्जिट लेवल टैक्स पढ़ाता हूँ, और टैक्स सबसे खतरनाक लो माना जाता है बेटा वर्ल्ड का, सबसे टफेस्ट लो कौन सा है बेटा, इनकम टैक्स। तो वहाँ पे शब्दों का प्रयोग ही होता है बेटा, मैंने बोला था तो सबसे पहले जवाब देगा अगर उसका सही निकला तो सिल्क। अब सेकंड जवाब जो देगा अगर उसका सही निकला तो डबल 5 स्टार। थर्ड जिसका जवाब होगा अगर सेकंड ने सही जवाब दिया तो फिर थर्ड पे नहीं आऊंगा मैं, अगर थर्ड ने जवाब दिया नहीं और सही निकला था सिंगल 5 स्टार, और बेटा थर्ड के बाद मैं फोर्थ पे आऊंगा, अगर उसका गलत जवाब निकला उसका सही निकला तो फिर क्या मिलेगी बेटा, 5 रुपए वाली पर्क बेटा फिर आपको बेटा। यस यस, हाथ खड़ा करो जिसने, मेरे मन से पूछूंगा जिसने जवाब अभी तक उससे पूछूंगा बेटा मैं। अरे नहीं पूछता ना, सिर्फ चॉकलेट मिल चुकी ना आपको बेटा, सब दूसरों को मौका मिलना चाहिए ना बेटा। यस आप बोलो, उम्मीदवार
कौन बताएगा? यस 13880 डेबिट साइड। चलो 13880 आप रहे थे। क्या वो जवाब सही है गलत है? नहीं नहीं, वो मैं जितना बस उन्होंने जो जवाब दिया वो सही है गलत है? गलत है। तो सही क्या है सर? अरे नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए पूछा है यार, क्या कर रहे हो यार? ऐसा मत करो बेटा। और किस साथ लगा? गलत है। करेक्ट आंसर 13880। हाथ खड़ा होने नहीं चाहिए था आपका बड़े उसके बाद। तो 13880 इज द करेक्ट आंसर सर। कैसे? जवाब दूंगा ना बेटा, पूछा ऐसा नहीं कि हाँ सर गुस्सा नहीं करते बेटा। अरे बेटा गुस्सा नहीं, ऐसा नहीं, नाराज थोड़ी होते हैं बेटा, है सिंगल फाइव स्टार बेटा, है ना? अब ध्यान समझना, यहाँ पे बेटा 12880 लिखा हुआ था, है ना? अब ये मत बोलना सर आपने क्यों लिखा नहीं, अब लिखा हुआ एंट्री पास की तो थी ना यार बेटा, इसमें क्या समझना बेटा, क्या रेक्टिफिकेशन किया होगा? तो बट ऑब्वियसली बात है, मैंने एक मिनट के लिए हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं बेटा। आपका जवाब क्या है? हाँ 13880 इज अ डेबिट साइड बैलेंस। क्या सभी का ये बोलना? अभी भी किसका बोलना है? दिस दिस नहीं सही। आप हाथ खड़ा करो बेटा, 1 2 3 4 5 यस बेटा बोलो। आएगा आपके जवाब दो, क्या सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। विच अमाउंट? 11880। चलो और क्या 1180 का लाओगे जवाब है किसी का? हाँ बोलो 11880। डेबिट बैलेंस। क्या सभी का जवाब वगैरह है? लेट्स सी, अब बात करते हैं बेटा अपन, समझना, देखते हैं बेटा क्या फाइव स्टार किस आपको मिलती है या नहीं मिलती है, और फाइव स्टार के बाद आपको पर्क मिलती नहीं मिलती है, डिपेंड्स। देखते हैं बेटा, देखो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, पर जब भी हम ट्रायल बैलेंस में अकाउंट बनाते हैं वो ओपनिंग बैलेंस होता है बेटा। अरे यार ट्रायल बैलेंस में समझना, तो ट्रायल बैलेंस यहां आ रहा होगा, है ना? ये आपका ट्रायल बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर दिस साइड होगा तो दिस साइड। और वन मोर थिंग बेटा, अगर सस्पेंस अकाउंट, बहुत लॉजिक के साथ बात कर रहा हूं, ध्यान समझना, अगर सस्पेंस अकाउंट इस साइड आ रहा होगा तो इस अकाउंट में हम दिस साइड लिखेंगे। अरे अगर सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिस साइड आ रहा होगा तो हम दिस साइड लिखेंगे। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है? देखते हैं बेटा, ये बनाया सस्पेंस अकाउंट, बट ये बात पता है कि इस सही करने के साथ ये अकाउंट यहां पे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस सीडी ना तो इस साइड आएगा और ना ही इस साइड आएगा। क्या ये बात तो एग्री करते हो? रेक्टिफिकेशन करने के बाद ना तो बैलेंस दिस साइड आएगा ना दिस साइड, क्या आपको एग्री करते हो? और इससे पहले के एडजस्टमेंट करते हैं, दिस वन हमने इसको क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की तो इससे 1000 रुपए का सस्पेंस अकाउंट हमने क्या किया, क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट बाय परचेज। कितना बेटा? 1000 रुपए। समझना बेटा, दैट्स इट। हमने क्या किया होगा बेटा, डेबिट करना है 12880, इसके अलावा सस्पेंस तो है ही नहीं बेटा। क्या बैलेंस दिस साइड आ रहा है? कितना बेटा? 11880 बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस में किधर पुट करूं बेटा? This is my debit balance. This is my credit balance. Sorry. This is my debit balance. नलायको, अभी 2 मिनट मैंने पहले पहले बोला मैंने कि अगर ट्रायल बैलेंस में दिस साइड शो रहा होगा तो दिस साइड आएगा। अब दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस, इज नॉट माई क्लोजिंग बैलेंस यार डियर, क्या करते हो? दिस इज माई ओपनिंग बैलेंस, दिस इज नॉट माई क्लोजिंग बैलेंस। तो मुझे बताओ, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था मैं यहां से यहां लेके गया, फिर यहां पे आया, फिर यहां से यहां लेके जा रहा हूं, गोल गोल रानी इतना दफा नहीं घुमा रहा हूं मैं बड़ा, इतनी कुछ चीज बता ही नहीं सकता, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं। तो मुझे बताओ ये बैलेंस हो रहा, मतलब ये बैलेंस यहां शो रहा होगा तो बट ऑब्वियसली बात ये बैलेंस या तो डेबिट साइड में आ रहा होगा या तो क्रेडिट साइड में आ रहा होगा।
अगर डेबिट साइड में आ रहा होगा तो इसको हम यहाँ डेबिट यहाँ लिखते हैं, अगर इधर आ रहा होगा तो हम इधर लिखते हैं। तो ये इधर आ रहा है मतलब ये है 11880 इज माई क्रेडिट बैलेंस, इज नॉट माई डेबिट बैलेंस। बोलते अरे कैसे बोलते हैं बेटा, आप क्या बोलते हैं इस बात से क्या फर्क पड़ता, गलत बात है ना बेटा, बोलते तो वही है। मैंने आपको क्या बोला, आप लोग क्या बोलते इस बात से कभी फर्क नहीं पड़ता है बेटा। क्या ये बैलेंस यहाँ दिख रहा है, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस ना, और किसने बोला है क्रेडिट बैलेंस है, किसने बोला डेबिट बैलेंस, दिस इज द क्रेडिट बैलेंस यहाँ बेटा। अगर यही बैलेंस नीचे आ रहा होता इस साइड तो बोलता डेबिट बैलेंस बेटा। बड़ा सिल्क दे रहा हूं तो मतलब मेरे क्वेश्चंस को इतने आसान से, मतलब जल्दबाजी नहीं है यार बेटा। मैं 5 स्टार पे ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं तो सिल्क पे कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, सोचो यार बेटा। वो क्वेश्चन का सिंपल क्या, ये चीज मैं पढ़ा चुका था क्लास के अंदर, अगर आप थोड़ा सा करेक्ट नहीं पढ़ाया, अरे किसने नहीं पढ़ाया, अब मैं तो नहीं हर चीज में बोलूंगा भाई, बड़ा प्रोफेशनल एग्जाम में आ रहे हो बेटा यार, दिमाग लाना पड़ेगा। क्या आपको रिवर्स चल के आना था, क्या सारे कंसेप्ट में क्लियर कर चुका था आपको बेटा, क्या ऐसा ने बोला कि नया आओ चलो नया कंसेप्ट सीखते हैं, ऐसा बोला क्या, नहीं मैं सिर्फ लॉजिक पूछा मैंने था आपसे यार। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है नई चॉकलेट ऐसा नहीं, बड़ा नया साल बड़ा ऐसा बहुत रेयर होगा कि मतलब मेरा क्वेश्चन, अगर क्या ये क्वेश्चन वाकई बताओ सिल्क लाइक क्वेश्चन था, कभी कभी सिल्क 150 रुपीज की भी आती है ना, उसका क्वेश्चन पूछूंगा बैच में, एक क्वेश्चन होगा कभी कभी आएगा जरूर बेटा, समझ में आया, लेट्स सी समय आने पे चर्चा करेंगे। क्या समझ में आया, दुख हो रहा है आप लोगों को बहुत सारा ना कि सिल्क चली गई बेटा है। एनीवे किसी के दिमाग में आया था क्रेडिट बैलेंस, आया था क्यों नहीं बोला समझ, हाँ किया था पर मैंने आपसे पूछ लिया था, आई एम सो सॉरी बेटा। 2 5 स्टार मिल जाती है बेटा आपको ना, क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा था और खुद ना, सेकंड किससे पूछा था आपसे, 2 5 स्टार थे बेटा, पड़ोसी को बोलना था हाथ नहीं सकना था। चलो अगली बार ठीक है, ये था बेटा आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे। वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क, कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्लियर। थैंक यू, हैव अ गुड डे बेटा, मजा आता है थोड़ा बहुत या नहीं आता है, थैंक यू।